तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं कुछ टाइम मैनेजमेंट टिप्स, क्योंकि आज कल लोगों के पास एक बहुत ही बहुमूल्य, बहुत ही कीमती वस्तु नहीं है, और वो है टाइम। टाइम नहीं है जी, मंदिर आइए ना जी, टाइम नहीं है जी। ये कभी भगवदगीता भागवतम पढ़ी, टाइम नहीं है जी। कभी चैंटिंग हरे कृष्ण करी, अरे जी टाइम नहीं है जी। अच्छा, सो नो टाइम इज अ डिसीज ऑफ द मॉडर्न मैन। तो भला टाइम को कैसे मैनेज किया जाए, ये बहुत बड़ा संघर्ष रहता है अक्सर लोगों के अंदर। और टाइम मैनेजमेंट को लेकर कई सेमिनार्स भी होती हैं और जिसके अंदर अच्छी टिप्स बताई जाती हैं, नो डाउट। पर अक्सर देखते हैं जब टाइम मैनेजमेंट जब एग्जीक्यूशन के लेवल पे आता है तो वहाँ पर ये फेलियर हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? नो डाउट सम ऑफ द टिप्स आर देयर वेरी गुड। लाइक फॉर एग्जांपल, आपको टू डू लिस्ट बनानी चाहिए। टू डू लिस्ट ना सिर्फ बनानी चाहिए बल्कि साथ साथ में आपको नोट डाउन करना चाहिए क्या चीज़ प्रायोरिटी में है, क्या चीज़ अर्जेंट है, उसको सबसे ज़्यादा टॉप लिस्ट में रखना चाहिए। उसके बाद फिर जो अर्जेंट हो लेकिन इतना इंपॉर्टेंट ना हो वो भी कर लेना चाहिए, और जो इंपॉर्टेंट हो अर्जेंट ना हो वो भी कर लेना चाहिए, और फिर जो अर्जेंट में नहीं है इंपॉर्टेंट में नहीं है फिर वो करना चाहिए। फिर इस तरह से लिस्ट बननी चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि अर्जेंट भी है इंपॉर्टेंट भी है, टू डू लिस्ट होनी चाहिए। हर टास्क को हमें समय देना चाहिए कि इस समय में मुझे उसको पूरा करना ही करना है। सो नो डाउट ये सारे जो काम है, ये सारे जो टिप्स हैं, ये कार्य करते हैं बट टू सम एक्सटेंट। लेकिन अक्सर जब एक्चुअल में टाइम मैनेजमेंट करने की बात आती है ना, तो टाइम बचता नहीं है, क्योंकि ना इसके रूट कॉज के ऊपर कोई कार्य नहीं करता। इसका रूट कॉज क्या है कि हम टाइम वेस्ट वाला क्यों कर बैठते हैं? टाइम वेस्ट करने का एक बहुत बड़ा जो कारण है वो है बुरी संगति, बैड एसोसिएशन। बैड एसोसिएशन हमको इंस्पायर करती है किस तरह से हम ऐसी एक्टिविटीज़ में समय बिताएं जो कि प्रोडक्टिविटी से जिनका कोई लेना देना है ही नहीं। सो बैड एसोसिएशन, बैड एसोसिएशन कैन कम फ्रॉम अ पर्सन, बैड एसोसिएशन कैन कम फ्रॉम गैजेट्स। इवन मोबाइल फ़ोन, एक स्मार्टफोन जो है अपने आप में फुल फ्लेज्ड बैड एसोसिएशन है। हर प्रकार की बैड एसोसिएशन कैन कम फ्रॉम सिंगल सोर्स। सो इसीलिए बैड एसोसिएशन से बचना बहुत ज़रूरी है। सो अक्सर जब हम लोग चूज़ी नहीं होते एसोसिएशन को लेकर के, तो फिर हम चूज़ा बन जाते हैं। द पॉइंट इज़ दैट कि हम ऐसे कार्य कर बैठते हैं, ऐसे कार्यों में समय बिता बैठते हैं जो कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड बी चूज़ी अबाउट एसोसिएशन। दूसरी चीज़ आती है मैनेजिंग द स्मार्टफोन, जैसे गैजेट की बात हमने की। विशेष रूप से जो स्मार्टफोन आया जब से, तब से लोगों का समय बीतना शुरू हुआ है एक्सक्लूसिवली सो मच ऑन द स्मार्टफोन। व्हेन यू ट्रैवल हम देखते हैं लोग, पीपल आर इन समाधि, दे आर अब्सॉर्ब्ड सो मच इन द स्मार्टफोन इटसेल्फ। तो किस तरह से विशेष रूप से स्मार्टफोन को कैसे मैनेज करें, जो कि खुद तो बड़ा स्मार्ट है लेकिन हमको इसने बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं छोड़ा। सो वन ऑफ थिंग विच मैनी ऑफ द डिवोटीज हैव ऑल्सो ट्राइड, और कुछ ऐसे सक्सेसफुल लोग भी जिसको ट्राई करते हैं, वो ये है दैट अपार्ट फ्रॉम स्मार्टफोन यू कैन ऑल्सो कैरी वन स्मॉल फोन, जो कि बटन वाला फ़ोन होता है, सिंपल फ़ोन, दैट शुड बी यूज मेनली। लेकिन हाँ, स्मार्टफोन का इस्तेमाल करना चाहिए मे बी से टू बुक ओला उबर कैब और सच सिमिलर थिंग्स। और साथ ही सोशल मीडिया के ऊपर वन मे स्पेंड सम मिनिमल टाइम, फॉर एग्जाम्पल से 11 to 11:30 आई स्पेंड ऑन सोशल मीडिया, फ्रॉम 6 to 6:30 PM आई स्पेंड ऑन सोशल मीडिया एंड दैट्स इट। यानी कि थ्रू आउट द डे आई एम स्पेंडिंग आवर्स एंड आवर्स एंड आवर्स ऑन यूट्यूब, आवर्स एंड आवर्स ऑन ट्विटर, ऑन व्हाट्सएप, आवर्स एंड आवर्स नहीं, वी विल फाइंड आउट अ टाइम कि भाई इतने बजे से इतने बजे तक, इतने बजे से इतने बजे तक एंड दैट्स इट। लाइक पर्सनली स्पीकिंग, मैंने व्हाट्सएप में कुछ ग्रुप्स बनाए हुए, उनको मैंने पिन किया हुआ है कि मैं इन्हीं को रेगुलरली चेक करूँगा। बाकी उसके नीचे कई सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, उसमें मैसेजेस हैं 15,000, 20,000। अब अगर ये सारे मैसेजेस हम चेक करना शुरू कर दें, सारे जोक्स पढ़ने शुरू कर दें, तो हमारी लाइफ का तो फिर हो गया जी भंटाधार। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है अपने टाइम को रिस्ट्रिक्ट करना, और ज़ीरो खाने को नहीं कह रहा लेकिन हाँ उसको रेगुलेट करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अल्टीमेटली हम लोग ना टाइम भला क्यों वेस्ट करते हैं, इसका रूट कॉज एनालिसिस दिया गया है श्रीमद् भगवद्गीता के अंदर। श्रीमद् भगवद्गीता हमको बताती है कि ना तीन प्रकार के गुण होते हैं, एक होता है सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। जो लोग तमोगुण में होते हैं वो टाइम वेस्ट किस में करते हैं, बीइंग डल हेडेड, एक्सेसिव स्लीप, उनको नींद बहुत ज़्यादा आती है ऐसे लोगों को, दोज हु आर हैविंग मोर तमोगुण इन देयर साइकोलॉजी, इन देयर सटल बॉडी, इन देयर फिजिकल बॉडी, सो मच तमोगुण, उसकी वजह से दे फील वेरी डल, और उस वजह से टाइम वेस्ट हो जाता है। या फिर एडिक्शंस में, इवन से स्मोकिंग एडिक्शन हो, ड्रिंकिंग एडिक्शन हो, ड्रग एडिक्शन हो, मोबाइल एडिक्शन हो, एडिक्शंस आर इन तमोगुण। तो तमोगुण की वजह से भी बहुत टाइम वेस्ट होता है हमारा। फिर दूसरा आता है रजोगुण। रजोगुण जो है तमोगुण से तो बेटर है, लेकिन इसमें इतनी एक्टिविटीज़ होती हैं, इतनी एम्बिशंस होती हैं, इतनी डिज़ायर्स होती हैं जो कि हमें डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं हमारे असली गोल से। इसीलिए हमारे डिस्ट्रैक्टेड एक्टिविटी में बहुत समय चला जाता है एंड दैट इज़ एक्चुअली रजोगुण। तो रजोगुण में भी बहुत टाइम वेस्ट होता है, तमोगुण में भी बहुत टाइम वेस्ट होता है, रजोगुण में भी बहुत टाइम वेस्ट होता है।
फाइनली भगवद गीता जो बताती है वो है सतोगुण, दैट मीन्स द मोड ऑफ गुडनेस. इस मोड ऑफ गुडनेस के अंदर देर इज फोकस, इस मोड ऑफ गुडनेस के अंदर देर इज विजडम, इस मोड ऑफ गुडनेस के अंदर इसके अंदर एक ठहराव होता है, देर इज ट्रैंक्विलिटी, कामनेस, थिंकिंग, इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिवेशन. ये सतोगुण की क्वालिटी है. इसीलिए अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा समय बचे तो बहुत ज़रूरी है सतोगुण में रहना. होता क्या है, जो हमारा पास्ट होता है दैट इज इन तमोगुण, जो हमारा फ्यूचर होता है दैट्स इन रजोगुण. तो फ्यूचर के बारे में जो बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ओके दैट्स रजस, और पास्ट को लेकर अगर बहुत ग्रजेस हैं, शिकायतें हैं, दैट इज तमस. बट द प्रेजेंट इज इन गुडनेस. सो दैट्स व्हाट आई सेड, पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री, बट प्रेजेंट इज अ गिफ्ट. इस टाइम किसी को अगर गिफ्ट देते ना, वैसे वेल हियर इज अ प्रेजेंट फॉर यू. तो प्रेजेंट में रहना दैट इज इन मोड ऑफ गुडनेस. तो इससे हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है. व्हेन वी स्पेंड टाइम इन मोड ऑफ गुडनेस, वी आर मोर फोकस्ड, वी आर मोर हेयर नाउ, द पावर ऑफ नाउ. तो जितना ज़्यादा हम नाउ अभी प्रेजेंट में रहेंगे उतने ज़्यादा हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है. लेकिन नाउ किस में होता है, दैट्स इन मोड ऑफ गुडनेस. पर क्योंकि सामान्यतः लोगों के अंदर सतोगुण कम पाया जाता है और रजोगुण तमोगुण ज़्यादा होता है, तो इसलिए दैट्स वाई वी सी दैट पीपल ईदर स्पेंडिंग मोर टाइम अबाउट द ग्रजेस ऑफ द पास्ट और एंग्जाइटीज अबाउट द फ्यूचर, इनसिक्योरिटीज ऑफ द फ्यूचर, इसमें ज़्यादा समय बीता है बजाय कि अभी प्रेजेंट में मुझे क्या करना चाहिए. इसमें हम अपने आप को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते. तो इसीलिए सतोगुण को बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सतोगुण के बिना जो है आपके टाइम मैनेजमेंट की सारी टिप्स फेल हो जाएंगी. आप चाहे कितनी सेमिनार्स अटेंड कर लें, दे आर ऑल गोइंग टू बी फ्यूटाइल एंड फ्रूटलेस, क्योंकि सतोगुण की कमी है. अच्छा, तो सतोगुण बढ़ा कैसे बढ़ाया जाए? सो लॉर्ड कृष्णा सेज इन द भगवद्गीता कि हमारी बॉडी में जो 9 गेट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बॉडी में 9 गेट्स हैं. इफ दीज 9 गेट्स आर एक्सपोज टू मोड ऑफ गुडनेस, सो देन वी आर ओवरवेलम्ड, वी आर अफेक्टेड बाई मोड ऑफ गुडनेस. तो इसीलिए हमको अपनी इंद्रियां जो है उनमें सत्वगुण बिठाना चाहिए. सात्विक देखना चाहिए, सात्विक सूंघना चाहिए, सात्विक सुनना चाहिए, सात्विक टेस्ट करना चाहिए. तो जब ये सात्विक होगा तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में भी सत्वगुण ही रहेगा, बिकॉज ये ईटिंग ऑल्सो सात्विक. अच्छा, लेकिन सत्वगुणी कार्य करने के लिए क्या हमें मोटिवेशन चाहिए, ताकत चाहिए? वो भला कहाँ से आती है? वो आती है बाई मेडिटेशन. में एक समय बांधते हैं कि ये आधा घंटा, एक घंटा मैं एक्सक्लूसिवली पूरी जान लगा करके, पूरा जोर लगा करके आई जस्ट चैंट द होली नेम, भगवान का नाम पे जब मेडिटेट होता है, इस मेडिटेशन से क्या होता है, हमारा सत्वगुण बढ़ता है. और सत्वगुण बढ़ेगा सो वी आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स सात्विक देखना, सात्विक सुनना, सात्विक सुनना, सात्विक टेस्ट करना, सात्विक सात्विक सात्विक. तो इस तरह से हमारी ओवरऑल एग्जिस्टेंस में सत्वगुण बढ़ेगा. तो ओवरऑल एग्जिस्टेंस में सत्वगुण बढ़ता है, देन वी आर एबल टू स्टे इन द प्रेजेंट. और जब हम प्रेजेंट में रह पाते हैं तो हम रजस और तमस से बच पाते हैं, और इस तरह से हम टाइम को मैनेज अच्छे से कर पाएंगे, टाइम को हम ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ बिता पाएंगे. एंड देन यू फील आर सेल्फ कि हाँ, एट द एंड ऑफ द डे, आज का दिन अच्छा बीता, आज का दिन या इट वॉज गुड, टुडे आई डिड समथिंग वेरी टैंजिबल, आज मैं कुछ ढंग का कर पाया. या पर उसके लिए बहुत ज़रूरी है स्लीप अर्ली एंड गेट अप अर्ली एंड मेडिटेट. मेडिटेशन जो है हमारी स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए तो अच्छी है ही है. इवन हमारी जो फिजिकल वेलबींग है, हमारी वर्ल्डली वेलबींग है, हमारी मेंटल वेलबींग है, हमारी इंटेलेक्चुअल वेलबींग है, इस सब के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो दैट वेज इन केस यू वॉन्ट टू मैनेज टाइम एफिशियंटली इफेक्टिवली, तो बहुत ज़रूरी है सतोगुण में आइए. और सतोगुण में हम आ पाते हैं जब हम स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ को, स्पेशली ऑन द इन टर्म्स ऑफ मेडिटेशन, वी गिव इट प्रियोरिटी. जिस चीज़ के लिए प्रायोरिटी है उसी के लिए टाइम है. जो चीज़ प्रायोरिटी में नहीं होती उसके लिए टाइम कभी नहीं निकलता. तो जो लोग सोच रहे हैं कि मेडिटेशन के लिए समय नहीं है जी हमारे पास, वेल जो चीज़ प्रायोरिटी में नहीं है ना उसके लिए समय कभी नहीं निकल पाएगा. सो प्लीज़ इसको प्रायोरिटी दीजिए एंड जस्ट स्टार्ट सीइंग द चेंजेस इन योर लाइफ, पॉजिटिव चेंजेस इन योर लाइफ. सो ऑल द वेरी बेस्ट इन योर ऑल एंडेवर्स टू मैनेज टाइम एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली.